हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि पोको C61 फ़ोन में आप लोग नेविगेशन बार को कैसे चेंज कर सकते हो। अगर आपके पास एक पोको C61 फ़ोन है और इस फ़ोन में जो है आपको नेविगेशन बार को चेंज करना है, नीचे आपको जो ये बार देखने को मिल रहेगा, जैसे कि यहाँ पर बटन्स लगे हुए हैं बार में, लेकिन अगर आपको जो है यहाँ पर चेंज करना है अपने नेविगेशन बार को, बटन्स को हटा देना है, यहाँ पर दूसरा नेविगेशन बार आपको यूज़ करना है, तो कैसे आप लोग जो अपने नेविगेशन बार को चेंज कर सकते हो, तो आज के वीडियो में मैं यही बताऊँगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेविगेशन बार को चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस होम स्क्रीन का, तो इस होम स्क्रीन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन मिलेगा, तो इस सिस्टम नेविगेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर आपको दो नेविगेशन बार देखने को मिलेंगे, एक है बटन्स जो मेरे फ़ोन में पहले से ही लगा हुआ है और एक है गेस्चर्स। तो अगर चेंज करना है तो इस गेस्चर्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका जो नेविगेशन बार है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर से थोड़ा सा टाइम लगेगा, लोडिंग वगैरह होगा, उसके बाद आपका जो नेविगेशन बार है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि मेरे फ़ोन में देख सकते हैं थोड़ा देर पहले बटन्स थे, अभी बटन्स गायब हो चुके हैं, अभी जो है कुछ इस तरीके का गेस्चर नेविगेशन मेरे फ़ोन में लग चुका है। अभी इस तरीके से मुझे बैक वगैरह करना पड़ रहा है। अगर आपको नेविगेशन बार को यूज़ करना नहीं आता है तो आपको फिर से वहाँ पर जाना है। जाने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको सिखाया जा रहा है, देख सकते हैं कैसे आपको चलाना है, गो बैक कैसे करना है, स्विच बिटवीन ऐप्स कैसे करना है, ये सब आप लोग यहाँ पर सीख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने पोको C61 फ़ोन में आप लोग नेविगेशन बार को चेंज कर सकते हो। तो कैसा लगा गाइस आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।